मुंबई के गुवंडी में बम है सुनकर दौड़ पड़े पुलिस अधिकारी, जांच में खुलासा, नशे में शख्स ने दी सूचना। जोगेश्वरी विक्रोली लिंक रोड पर ओबेरॉय स्प्लेंडर के पीछे दिखा तेंदुए में लोग। भड़काऊ भाषण मामले में सलमान अजहरी को कोर्ट ने दिया इजाजत, फिर भी नहीं होगी रिहाई। मोटरमैन के मास बंक आंदोलन से थमी मुंबई की धड़कन, यात्रियों के लिए संडे बना बैड डे। 25 लाख 2 मुंबई में मिलेगा फ्लैट, धारावी में सक्रिय हुए झोपड़ी दलाल। नवी मुंबई से 2 बांग्लादेशी गिरफ्तार, अवैध तरीके से भारत में टिके थे आरोपी, मामले की जांच जारी। मुंबई में आज लोकल की यात्री बेहाल हो गए, मोटरमैन के मास बंक आंदोलन से थमी मुंबई की धड़कन। मुंबई लोकल के थमने से यात्रियों के लिए संडे बना बैड डे। मुफ्त में करे रामलला के दर्शन, मुंबई के लोगों के लिए भाजपा की खास मुहिम। बिहार के ऊंटों के लिए कर्पूरी ठाकुर को दिया गया भारत रत्न, उद्धव ठाकरे का केंद्र सरकार पर हमला। 48 घंटे ताबड़तोड़ गोलियां और खूनी वारदात मुंबई के बाद, अब पुणे शूटआउट से डाला महाराष्ट्र। बाबा सिद्दीकी एनसीपी में शामिल, कांग्रेस को छोड़ने पर बोले, करी पत्ते की तरह किया इस्तेमाल। पाकिस्तान में फिर से इमरान खान की सरकार, जेल में बंद इमरान खान की पार्टी समर्पित निर्दलीय को अंतिम बहुमत में बढ़त मिल गई। किसानों की राह में किले बिछाने वाले भरोसे के लायक नहीं, इनको दिल्ली से उखाड़ फेंको, राहुल गांधी। मुस्लिम मुझसे कहते हैं कि आपका हिंदुत्व से हमारे घर का चूल्हा जलता है और भाजपा के हिंदुत्व से घर जलता है, उद्धव ठाकरे। महंगाई तले दबे किसानों को फसलों का सही दाम ना मिलने के कारण उनके कर्ज 60% बढ़ गए, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी। अजीत पवार की पत्नी के पोस्टर पर फेंकी गई काली स्याही, लोकसभा चुनाव लड़वाया जा सकता है। सदन में आंकड़ा हमारे साथ है, किसी भी तरह की उत्तेजना नहीं दिखानी है, विधायकों संघ बैठक में बोले बिहार के सीएम नीतीश कुमार। सरकार द्वारा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को सरकारी महकमा बेचने का चल रहा था फैशन, आप सुप्रीमो और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान। रामलला के दर्शन करने कल अयोध्या जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान। दिल्ली के लोगों ने ठान लिया है कि दिल्ली की सभी 7 सीटें आम आदमी पार्टी को देंगे, दिल्ली के सीएम केजरीवाल। एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा, कांग्रेस से निष्कासित नेता और आध्यात्मिक गुरु प्रमोद कृष्णम ने कहा। कांग्रेस की अब ना कोई सोच है, ना कोई विचारधारा है और ना कोई नीति है, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा। 16 फरवरी को किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया, 16 फरवरी को नेशनल हाईवे भी बंद करेंगे किसान। पंजाब में अकाली दल और भाजपा के बीच गठबंधन की बातचीत फेल, सूत्र। हल्द्वानी हिंसा मामले में सपा नेता का भाई जावेद सिद्दीकी गिरफ्तार।